एक अजिहा अंदोलन इतिहास बन गया जिस अंदोलन ने मोदी वर्गे तानाशाह नूं चुक चुकन लई मजबूर कर दिता। अज साडे नाल बाबा लखवीर सिंह जी मुखी मिसल शहीदां तरना दल जी इत्थे किसान मोर्चे दे उम्मीदवार दे तौर ते दास नूं समर्थन देण आए आ। राज सभा दे विच मोदी दे कोल बहुमत ना होण दे बावजूद कांग्रेस की सहमति दे नाल बिल पास होए। दिल्ली दे विच वी किसान बैठे सन, उदों वी कदी इन्हां नूं खालिस्तानी कहा गया, कदी इन्हां नूं कामरेड कदा कहा गया। पंजाब दे भले दी खातर संयुक्त किसान मोर्चा अते संयुक्त समाज मोर्चा जिहदे विचों निकलिया उहदे उम्मीदवारां नूं कामयाब करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। दोस्तों, तुसी सारे जानते हो कि जिस जदों का किसान अंदोलन चलिया उदों तो ही इस दे नाल बहुत वड्डियां साजिशां हो रही ने। कभी किसान अंदोलन नूं खालिस्तानी अंदोलन कहा गया, कभी कामरेडी अंदोलन कहा, कभी वक्ख धारा दा अंदोलन कहा गया, पर यह किसान अंदोलन दे विच पंजाब दी हर तिर, चाहे वह किसानी नाल संबंधित होवे, चाहे वह मजदूरां नाल संबंधित होवे, चाहे वह दुकानदारां नाल संबंधित होवे, एक अजिहा अंदोलन इतिहास बन गया जिस अंदोलन ने मोदी वर्गे तानाशाह नूं चुक चुकन लई मजबूर कर दिता। और मैं धन्नवादी हाँ, तुसीं देखिया दिल्ली के बॉर्डर के उत्ते जदों साढ़े पूरा पंजाब उत्ते खड़ा होया उदों गुरु दियां लाडलियां फौजां ने बॉर्डर के उत्ते पहरा दिता। सो अज साढ़े नाल बाबा लखवीर सिंह जी मुखी मिसल शहीदां तरना दल जी इत्थे किसान मोर्चे के उम्मीदवार के तौर पर दास नूं समर्थन देण आए हैं। मैं इन्हां दा दिल दियां गहराइयां तो धन्नवादी हाँ। और मैं बेनती करना चाहाँगा उन्हां सारे पंजाब दर्दियां नूं, उन्हां सारे पंथक लोगों नूं, उन्हां सारे उन्हां लोगों नूं जिहड़े लोग पंजाब दा भला चाहुंदे आ कि अज मोदी दे नाल खड़ियां तिरां। तुसीं जाणदे हो कि श्रोमणी अकाली दल ने स्टैंड लिया सी मोदी दे नाल। तुसीं जाणदे हो राज सभा दे विच मोदी दे कोल बहुमत ना होण दे बावजूद कांग्रेस की सहमति दे नाल बिल पास होए। सो दोस्तों, अज जरूरत है कि जिहड़े जिहड़ियां धिरां मोदी दे नाल खड़ियां होईयां कल्ली बीजेपी नहीं उहदे दोस्तां नूं वी हराउण दी, पर बहुत वड्डे पैमाने ते साजिशां चल रहियां ने। कदी किसान मोर्चे नूं बदनाम करन दीआं चालां चल रहियां ने। तुसीं जाणदे हो कि जदों दिल्ली दे विच वी किसान बैठे सन उदों वी कदी इन्हां नूं खालिस्तानी कहा गया, कदी इन्हां नूं कामरेड कदा कहा गया, कदी इह कहा गया कि मोदी दे हक तों विके है, पर अज इतिहास बन गया कि ना तां उह उदों विके सी ते ना ही अज विके है। और अज जदों के पूरे पंजाब दे विच तीजे धिर दे रूप में संयुक्त किसान मोर्चा ते संयुक्त संघर्ष पार्टी के उम्मीदवारों नूं समर्थन मिल रहा है, अज भी बहुत तरीके नाल बदनाम करन दी कोशिश की जा रही है। अते नाल ही मैं बेनती करांगा कि संयुक्त किसान मोर्चा तुहाडा अपना, तुहाडी लहर विचों निकलिया होया मोर्चा है, ये पंजाब दे भले लई बनाया होया मोर्चा है, ये उन्हां रवायती पार्टियां नूं भजाउण लई बनाया होया मोर्चा है जिन्हां ने 75 साल देश की आज़ादी तो बाद इन्ना पंजाब नूं लुटिया ते कुटिया कि अज आम लीडर लोगों की एक सोच बन गई है। आम लोगों की सोच की बन गई है कि सारे लीडर चोर हैं, पर दुख होंदा उदों जदों साडे अपने आप नूं कड़म चौधरी कहाउण वाले पिंडां दे जिहड़े ठेकेदार बने हैं ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਬਦਲੀ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੰਬੜਦਾਰੀ ਦਵਾਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਲੀਡਰ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ 'ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਬਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਬਚ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਭਲੱਥ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਹੇ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਸਲਾਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਨਾਕੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਬਾ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਭਲੱਥ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਵਾਣਾ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤੀ ਨਿਡਰ ਬੱਚਾ ਆ, ਇਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਲੱਥ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਆ, ਨਸਲਾਂ ਫਸਲਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੋ ਕਿ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ 30 ਫੁੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ,
हूँ 350 फुट तक पानी नहीं मिले तो कोई वधिया इंसान आप वोटा पा के कामयाब करिए। जिस तरह प्लास्टो सरजीत सिंह लवाना खड़ा हुआ मेहनती जुझारू बच्चा ने वोटा पा के कामयाब करो। तुम बीबी जगीर कौर ने वोटा पा के देख लिया, सुखपाल सिंह खैरे ने वोटा पा के देख लिया, सड़कों का तुम हाल देख लो, भलाथ के चाहे बिगवाल के चल जाओ। 20 साल हो गए कभी सिवरे पट लेंगे आ, मतलब उसे सड़क नहीं लंघ नहीं सकते, इन्हें सड़कों का बुरा हाल है। तो आने वाले दिनों बच्चे वोटा पा के भी कामयाब करो तो यदि कामयाबी थोड़ी कामयाबी होगी। इन्हों तुम एम एल ए बनाओ, कोई ग्रांटा मिलना मिलन पर सड़क जीडिया पूरी पक्या थानू मिलनगियां। एन आर आई वीर इतने कोई लुट घसुट नहीं होगी, कोई थाने के कचहरिया के इस गल का असं विश्वास दवाने। तो जथेबंदी मिसल शहीद दरने दल पर जोर अपील करते हैं वोटा पा के कामयाब करो, असं बिल्कुल ये मोढ़े का मोढ़ा ला के खड़े हैं। वाहेगुरू जी का खालसा किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, जिंदाबाद।